अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे AFC03QM के चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक है वो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के अबाउट बात कर चुका हूँ, वो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, जो इसके एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है द आउटकम्स ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। बायनोमियल में भी हमने बात की थी, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं, इवेंट्स हैं जो सक्सेस और फेलियर थे। तो यहाँ पे भी वही सेम बात है, द आउटकम्स ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्लासिफाइड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस, नेमली सक्सेस एंड फेलियर। तो नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्राम ट्रायल टू ट्रायल। ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये MCQs भी आता है। कंपैरिजन अगर हम चेक करें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और हाइपर ज्योमेट्रिक का, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो थ्रो आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहती है, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक में थ्रो आउट द एक्सपेरिमेंट मतलब ये चेंज होती रहती है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे सक्सेसिव ट्रायल्स आपके डिपेंडेंट होंगे। एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम से एन। अब एक्सपेरिमेंट जब रिपीट किया जाएगा फिक्स नंबर के तहत, तो उसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट है लेट देयर आर एन एटम्स आउट ऑफ विच के आर क्लासीफाइड एज सक्सेस। अब इसमें के को क्लासीफाइड किया गया है सक्सेस के लिए, एन आपके टोटल आइटम्स हैं, उसमें से के आपकी सक्सेस है, और ऑब्वियसली एन माइनस के, जब आप टोटल से सक्सेस निकाल देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, फेलियर, उसको हम फेलियर कहेंगे। इफ़ एन आइटम्स आर टेकन आउट फ्रॉम एन आइटम्स, अगर ये एक स्मॉल पोर्शन को टोटल पोर्शन से निकाल दिया जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़, तो फिर जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई। तो फार्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के सी एक्स। अब के क्या है, आपकी सक्सेस है, सी कॉम्बिनेशन है, और एक्स आप क्या है, जो नंबर ऑफ आइटम्स आपने जितने उसे सिलेक्ट करने हैं। तो नेक्स्ट है एन, जो के टोटल है, टोटल आइटम्स आपके होंगे वो एन माइनस के, एन माइनस के किसके के लिए होगा, फेलियर के, और इसको ओवर एन माइनस एक्स ओवर, अब ये जो इतने वैल्यूज़ हैं इन सब का ओवर है एन सी एन। एन अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, सी कॉम्बिनेशन है, और एन जो है वो जितनी बार आपका एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट हुआ है, उसको कहते हैं स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें एक्स 0, 1, 2, 3 एन तक हो सकता है। तो हमारे पास नेक्स्ट बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इट इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ, डिस्क्रीट जो प्रोबेबिलिटी है वो तीन किस्म की है, बायनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक एंड पॉइजन। ये आपने हजमी याद रखना है। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल है, तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और सेकंड जो हमारे पास बुलेट है वो है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट है इट हैज़ 3 पैरामीटर्स, एन जो टोटल है आपका, फिर समाल एन जो फिक्स नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं जिसे हम समाल एन से डिनोट करते हैं, और के इसमें आपकी सक्सेस है। मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एन के ओवर एन, ये याद रखना है, समाल एन फिर के सक्सेस ओवर एन टोटल, वेरियंस इज़ ये है आपके सामने जो मेंशन है, और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरियंस का अंडर रूट है, अंडर रूट जो ये फार्मूला वेरियंस का है वही सेम है। उसके बाद है मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरियंस, तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, जब आप मीन निकालें वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने देख लेना है कि जो मेरा मीन आ रहा है ना हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो वेरियंस से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो ये आपने लाजमी बातें याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाउ वी सिलेक्ट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन पेपर, कि पेपर में आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक की निशानी कुछ ऐसे है, नंबर 1 जो है आपने व्हेन सिलेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, वो आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा कि जिस तरह
बॉल्स हैं एक बॉक्स में, ग्रीन ब्लू या रेड, आपने टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स हैं 40, तो आपने ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है, मतलब इसमें ब्लू बॉल्स कितनी है, अब 40 है ना, अगर रेड एंड ब्लैक 10-10 है तो ब्लू कितनी होगी 20 होंगी। तो अगर इस तरह की कोई आपने बॉल सिलेक्शन करनी है तो इस तरह का क्वेश्चन हाइपर ज्योमेट्रिक का होता है। अगर बात हो टास्क अबाउट कार्ड्स एंड डाइस, अब कार्ड्स भी इसी तरह से एस निकालें या रेड पिक कार्ड्स मालूम करें या नंबर कार्ड इसमें कितने हैं इतने सेलेक्ट करें, तो इस अबाउट में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 3 में है व्हेन वर्ड्स लाइक गुड एंड डिफेक्टिव आर यूज्ड, आप क्वेश्चंस वगैरह इसमें देखेंगे रोटन एग्स हैं हमारे पास, इतने एग्स डिफेक्टिव हैं और इतने गुड हैं, तो इस तरह के अभी क्वेश्चन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की ही एक उम्दा मिसाल है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन आएगा। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा, तब तक आप ये याद रखें कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनके फार्मूलाज वगैरह क्या होते हैं, तब तक इसे तैयार किए करिए, जो आपको समझ नहीं आता वो मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरीज सॉल्व करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।